साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई की भैया अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ तक गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि अपना चैनल ही अभी गल्फ तक सीमित रह गया है, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक भी शामिल है इसमें, तो बता दूँ सबसे बेस्ट कंट्री अभी अभी जो भी आपके पक्ष में जितने भी फायदे या फिर मान लीजिए नियम कानून कायदे जो भी निकल के आ रहे हैं आपके पक्ष में, वो सिर्फ और सिर्फ दुबई का है। जी हाँ, अभी दुबई में आपको पता है 1 सितंबर से और भी घोषणा कर दी गई है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट हो चुका है, आधिकारिक घोषणा जिसको बोल सकते हैं, कि दुबई एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप पे आपके ऊपर यात्रा प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ साथियों, सब कुछ फ्री है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे भाई, आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से आप जाओगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों, इंडियन एम्बेसी ने भी घोषणा कर दी है कि भाई आप अगर उधर से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इंडिया से उधर जा रहे हैं, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उधर से जो लोग आ रहे थे वहाँ पे आपको पता है वंदे भारत मिशन के तहत आना पड़ रहा था, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होता तो ही आपकी टिकट बुकिंग हो पाती थी, ऐसा कुछ नियम था, लेकिन नए इस सितंबर से ये सिस्टम हटा दिया गया है। जी हाँ साथियों, इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन्होंने ये बताया कि भाई हमारी फ्लाइटें सुचारू रूप से दुबई के लिए इन आउट और आउटबाउंड के लिए दोनों तरफ से चालू है, एयर बबल्स के अकॉर्डिंग जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से, तो आपको उधर से आने वालों को कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कहीं से भी टिकट लें और सीधा इंडिया पहुंच सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखे हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, कल के बाद से सब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हैं, एम्बेसी में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप आ सकते हैं। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी ने भी ये भी बताया कि भाई जो लोग दुबई से इंडिया आ रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन है साथियों, मैं भी यही बोलूंगा कि PCR टेस्ट करवा के आए, 96 आवर्स पहले का होना चाहिए आपका, हो सकता है शायद 250-300 रियाल आपका लगेगा, लेकिन उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा, उसको आप करवा के, जो मैं वेबसाइट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, इस पर आप अपलोड कर दीजिए अपने मोबाइल से, और अपलोड नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है, आप उसको साथ में भी लेके आ सकते हैं, उससे बेनिफिट ये होगा आपको क्वारंटाइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, पूरी इंडिया में एक जैसा ही नियम है, अलग अलग स्टेटों कोई इशू नहीं। अगर आप कोई भी कंट्री से आ रहे हैं, आपके पास PCR टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट साथ में है 96 आवर्स पहले की होनी चाहिए, यानी 96 घंटे पहले की, उसमें आपको सीधे आप एयरपोर्ट पे पहले बात तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन बाइंसर्स नहीं हो तो आप अपने बैग में लेके आ सकते हैं, एयरपोर्ट पे दिखाइए, सीधे आपके लिए घर आप आ सकते हो, ये बेनिफिट है। वरना भैया देखिए, मेरी जहां तक सोच है, कोरोना आपको वहां नहीं होता, जब आप प्लेन में आकर वहां पे लोगों के टच में आने स्टार्ट हो जाते हो ना, वहां से फिर आपको दिक्कत होनी शुरू हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र का भी नहीं है कहीं पर भी, इंडिया की बात नहीं है, और कंट्रीज में भी आप देख सकते हो सब एकदम खचाखच भर के फ्लाइटें हैं वो उड़ती हैं, तो आपको पता है फिर दिक्कत होने वाली है। तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक, फ्लाइट में बच के रहें, फ्लाइट आपके पास नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, एयरपोर्ट पे दिखा के सीधे घर पहुंचे, ताकि कोरोना से आप बच सके। जी हाँ, और बहुत सारी जगह भैया पैसा भी लगता है कोरोना का, फिर यहाँ परेशानी होना है, हमें ये नहीं मिला वगैरह वगैरह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बताया गया है कि कोई जरूरी नहीं है आपको करवाना, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं 8-10 हज़ार रुपये हम नहीं देंगे, हम तो क्वारंटाइन रह लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। इनमें बताया गया अगर आप शारजा जा रहे हैं भैया, अबू धाबी जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको अलग से उनका थोड़ा सा जो भी गाइडलाइन है वो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अबू धाबी जाते हो तो भैया दुबई के बाद में अगर आप अबू धाबी आपको क्रॉस करना है, अबू धाबी के अंदर जाना है, एग्जाम्पल तौर पे आपको दिल्ली जाना होता है पूरी इंडिया से, तो दिल्ली में घुसने से पहले आपको COVID-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अंदर एंट्री कर पाओगे, ऑनलाइन अपलोड करना, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। साथ में बीमा जरूर करवा लें, जब भी आप विजिट वीजा में लेके जा रहे हो तो भैया बीमा आपके पास होना चाहिए, लगभग 150 के करीब 160 रुपए के करीब आपका बीमा मिल जाता है, तो इंडिया का कितना बनता है यार, 3,500 में आपको बीमा मिलता है, 1,00,000 दुबई दराम का बीमा, और आपको पता है भाई यहाँ से आप जाके खुदा ना खास्ता वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती, वो बीमा आपके बहुत बड़ी काम आने वाली है, समझ गए बात को, तो बीमा के बिना तो आप जा ही नहीं सकते, बीमा आपको करवाना जरूरी है। यही उनकी तरफ से गाइडेशन मिला है कि भाई जो ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 मीटर की गुजगा वगैरह वगैरह जो आप सबको पता ही है, ये तो बातें हैं पुरानी हो चुकी हैं, बार बार रटर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये अपडेट था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।